हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमित तिवारी, योर इंग्लिश टीचर. स्टूडेंट्स, वी हैव बीन स्टडिंग द फोर्थ लेसन ऑफ हॉर्नबिल बुक, लैंडस्केप ऑफ द सोल. एंड सो फार वी हैव सीन दैट द राइटर कंपेयरिंग द टू डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स एंड विच वन इज चाइनीज आर्ट फॉर्म विच गिव्स अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस, वेयर एज द वेस्टर्न आर्ट फॉर्म is a perfect illusionistic likeness. Now let us see what happens next in this lesson. This concept is expressed as sansui, literally mountain water, which used together presents the word landscape. More than two elements of an image, these represents two complementary poles reflecting the Taoist view of the universe. Students, जैसा कि पहले ही इस लेसन में बताया जा चुका है, या जैसा कि इस लेसन की जो राइटर हैं नेटली ट्रेवेरॉय, वो दो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, जिसमें कि एक चाइनीज आर्ट फॉर्म है, दूसरा वेस्टर्न फिगरेटिव आर्ट फॉर्म है, इन दोनों को कंपेयर करती हैं और एक बहुत ही कंट्रास्टिंग एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट करती हैं दोनों आर्ट फॉर्म की. पहला जो कि चाइनीज आर्ट फॉर्म है, वो बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल और स्पिरिचुअल स्पेस प्रोवाइड करता है. वो आपको कंपेल करता है या व्यूअर्स को कंपेल करता है कि वो अपने एटीट्यूड से जो इमेज है, जो पेंटिंग है, उसके थीम को ड्रॉ करने की कोशिश करें, और इस तरीके से जो पेंटर है वो डिफरेंट डिफरेंट थीम्स को प्रेजेंट करने में सक्सेसफुल होता है. वहीं जो वेस्टर्न आर्ट फॉर्म है, जो वेस्टर्न पेंटिंग आर्ट फॉर्म है, वो बिल्कुल एक रियलिज्म सा प्रोड्यूस करता है व्यूअर्स के सामने, एक इल्यूजन, एक परफेक्ट इल्यूजन क्रिएट करता है, जिससे कि व्यूअर्स को देख के ऐसा लगता है कि पेंटिंग बिल्कुल रियल है. तो ये दो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं, और इन दोनों आर्ट फॉर्म को या जो भी कॉन्सेप्ट है, इसको सैनसुई के माध्यम से एक्सप्रेस किया गया, जिसका एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो है माउंटेन वाटर. अब जब हम छोटे थे, छोटे क्लासेस में पढ़ते थे, उस टाइम जब हमें कोई लैंडस्केप ड्रॉ करने के लिए कहा जाता था, तो हम लैंडस्केप की शुरुआत कैसे करते थे? लैंडस्केप को ड्रॉ करने की शुरुआत हम बेसिकली एक माउंटेन ड्रॉ करते थे, और माउंटेन्स के बीच से एक रिवर को हम फ्लो करते हुए दिखाते थे कि रिवर जो है वो बह रही है माउंटेन्स के बीच से. तो ठीक वैसे ही सैनसुई का मतलब भी है माउंटेन वाटर, यानी कि माउंटेन से पानी जो है बहते हुए आ रहा है. और यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी लैंडस्केप का, और पर्टिकुलरली अगर हम चाइनीज लैंडस्केप की बात करें तो ये एक बेस प्रोवाइड करता है चाइनीज लैंडस्केप को. मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दीज रिप्रेजेंट्स टू कंटेम्प्ररी कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स रिफ्लेक्टिंग द डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स. और इन्हीं दो एलिमेंट्स की मदद से, मतलब कि माउंटेन और वाटर की मदद से, जो डाओइस्ट का व्यू है यूनिवर्स के एनर्जी को लेके, वो बिल्कुल इन दोनों एलिमेंट्स के माध्यम से रिफ्लेक्ट होता है, और ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. द माउंटेन इज यांग रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, स्टेबल वार्म एंड ड्राई इन द सन, व्हाइल द वाटर इज यिन हॉरिजेंटल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ फ्लूइड मॉइस्ट एंड कूल. अब ये दोनों एलिमेंट्स दो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रास्टिंग एट्रीब्यूट्स को शो करते हैं. पहला जो माउंटेन है उसको यांग राइटर बोलता है, और जैसा कि माउंटेन का अपना एक बिहेवियर होता है, एक एट्रीब्यूट होता है, वो क्या है कि वो वर्टिकली खड़ा रहता है, बिल्कुल सीधा वर्टिकल खड़ा रहता है, और हेवन की तरफ फेसिंग होती है उसकी, यानी कि वो हेवन की तरफ अप्रोच करता है, हेवन यानी स्काई. वार्म और ड्राई होता है. वहीं वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर को राइटर जो है वो यिन बोलता है, और यिन बिल्कुल हॉरिजेंटल है, यानी कि अर्थ के बिल्कुल पैरेलल है,
और वो बह रहा है, मॉइस्ट है, कूल है. एंड द इंटरेक्शन ऑफ यिन द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग एक्टिव एंड मैस्कुलिन इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म. और ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम यिन की बात करें तो यूनिवर्सल एनर्जी के फेमिनिन एस्पेक्ट को वो रिफ्लेक्ट करता है, वहीं जो यांग है जो कि यिन का काउंटर पार्ट है वो मैस्कुलिन और एक्टिव फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है. और यही जो दोनों कॉन्सेप्ट है वो डाओइज्म के नोशन का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट द मिडिल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस. अब अगर हम दोनों एलिमेंट्स की बात करें तो दोनों एलिमेंट्स आपस में कहीं ना कहीं इंटरैक्ट करते हैं, और जिस जगह वो इंटरैक्ट करते हैं वो उस जगह को हम वॉइड बोलते हैं. वो थर्ड एलिमेंट है जिसको कि मिडिल वॉइड बोला जाता है. इसको हम अर्थ और स्काई के मीटिंग पॉइंट को लेकर समझ सकते हैं. जैसे कि अर्थ और स्काई जहाँ पे मिलता है उसको होराइजन बोलते हैं, बिल्कुल वैसा ही माउंटेन और वाटर दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन के बीच में जो जगह है उसको मिडिल वॉइड बोला जाता है, जो कि थर्ड एलिमेंट है. और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्सल एनर्जी में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम. ब्रीथ इन रिटेन ब्रीथ आउट द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स. नाउ नेटली ट्रोवेराय इज कंपेयरिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ यिन एंड यांग एंड द मिडिल वॉइड विथ योगिक प्रैक्टिसेस लाइक प्राणायाम, जिसमें कि हम सांस लेते हैं, सांस को रोक के रखते हैं, फिर सांस को छोड़ते हैं. और जो ये मिडिल पार्ट है मीन्स रिटेंशन ऑफ द ब्रीथ इज जस्ट लाइक अ प्लेस वेयर मेडिटेशन अकर. एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सल एनर्जी, द मेडिटेशन और द मिडिल पार्ट और द मिडिल वॉइड, द थर्ड एलिमेंट. द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट. हैंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप. एंड नाउ नेटली ट्रोवेराय इज सेइंग दैट दिस मिडिल वॉइड आर इफ यू टॉक अबाउट प्राणायाम दैट रिटेंशन पार्ट ऑफ द ब्रीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नथिंग कैन हैपन विदाउट दिस थर्ड एलिमेंट दैट इज मिडिल वॉइड और इन केस ऑफ प्राणायाम दैट रिटेंशन ऑफ द ब्रीथ. And the same way, in Chinese painting, the viewers can find so many different spaces, different white spaces. And this white space is just like the middle element or the middle void of the universal energy, where the painter, the artist, compels the viewer to put their imagination in that void and to paint that wide canvas according to their own imagination or according to their own perspectives. Chinese landscapes mein agar hum dekhe Chinese paintings ko to usme different white spaces dikhai dete hain aur un white spaces ko dekh ke hum apne perspective ke according कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं और वो पूरा का पूरा इमेज जो है बिल्कुल वैसे ही दिखाई देने लग जाता है. एंड दिस इज द मिडिल वॉइड और दिस इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ चाइनीज पेंटिंग. दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड अ फंडामेंटल रोल इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ. ही बिकम्स द कंडूइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स. हियर कंडूइट मीन्स चैनल. अब नेटली ट्रॉय रॉय कह रही हैं
कि अब यहाँ पे जो मैन है, जो मनुष्य है, वो बहुत ही एक मौलिक, एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है हेवन और अर्थ के बीच में, एक इंटरेक्शन का काम करता है, एक कम्युनिकेशन चैनल का काम करता है। मनुष्य जो है इस वॉयड में, इस मिडल एलिमेंट में अपने अकॉर्डिंग चीजों को रचता है, चीजों को क्रिएट करता है, और इसलिए ये मैन यानी कि जो मनुष्य है वो थर्ड एलिमेंट के रूप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड फॉर फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स ही इज इन फ्रांसिस्को चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप, और फ्रैंकोइस चैंग्स के प्रस्पेक्टिव से यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो मैन है, जो कि थर्ड एलिमेंट है बिटवीन हेवन एंड अर्थ, इज जस्ट लाइक द आईज ऑफ द लैंडस्केप, वो बिल्कुल लैंडस्केप के आईज की तरह है, यानी कि उसके बिना बाकी सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। मीन्स ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल एनर्जी।